फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कहीं पे भी जॉब करने के लिए जाते हैं एज ए फैब्रिकेटर या फिर फिटर, तो जब आप नए होते हैं तो उस टाइम पे आपको जो है क्या क्या बातें जो है वो ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि जब मैं भी नया था इस फील्ड में और जब मैं गया था तो मुझे क्या क्या जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, और आप किन किन बातों को जो है ध्यान रखें ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ओके, सो आइए जानते हैं। या तो आप फैब्रिकेटर में जा रहे हैं या फिर आप ड्राइंग फिटर में अगर कहीं पे भी जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, पहला आपका जॉब है, तो क्या क्या आपको चीज़ जो है ध्यान में रखना चाहिए, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग, मान लीजिए आप कहीं पर भी जाते हैं एज ए फैब्रिकेटर या फिर ड्राइंग फिटर, तो सिंपल सी बात है कि पहले आप जो है फिटर का काम कर चुके होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तभी आप फैब्रिकेटर में जंप करेंगे। ओके, तो क्या क्या आपको चीज़ ध्यान में रखना है, तो फर्स्ट थिंग है, देखिए जैसे ही आप कंपनी में जाओगे, तो मान लीजिए कोई भी जॉब है, ठीक है, किसी भी टाइप का जॉब है, तो आपको उसका जो है ड्राइंग आपको दे दिया जाएगा। ओके, कि लीजिए ये इसका ड्राइंग है और आपको जो है ये जॉब रेडी करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको ड्राइंग मिलेगा, उसके बाद आपको जो है ड्राइंग स्टडी कर लेना है, ड्राइंग को देख लेना अच्छे से कि क्या किस चीज़ का ये जॉब है, और उसके बाद आपको जो है मटेरियल्स वगैरह देख लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आपका जो आता है वो आपका रिक्वायर्ड होता है मैन पावर, क्योंकि आपको जो है ड्राइंग मिल चुका है, तो अब आप जो है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारा आपके ऊपर है, तो आपको ही अब डिसाइड करना है। तो सबसे पहले तो आपको ड्राइंग मिलेगा, उसके बाद सेकंड में आपको देखना है मैन पावर की, जो भी जॉब है उसको बनाने के लिए हमें कितने आदमी की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर आप एक फैब्रिकेटर हैं, ठीक है, तो अगर छोटा काम है या फिर बड़ा काम है, तो काम के हिसाब से जो है आपको मैन पावर सेलेक्ट करना है। तो कंपलसरी तो यह है कि आपके पास एक फिटर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद वेल्डर भी कंपलसरी है, मैं अभी सिंगल ही पकड़ रहा हूँ, अगर जॉब बड़ा है तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। ओके, जो कंपलसरी है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद गैस कटर हो गया, ओके, उसके बाद एक ग्राइंडर हो गया, ग्राइंडर मैन, और उसके बाद एक रिगर हो गया, ओके, और प्लस में हेल्पर भी हो गया, जो आपके साथ या वेल्डर के साथ जो है काम करे, ठीक है। तो कंपलसरी यहाँ पे मैं दो हेल्पर भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना जो है आपके पास मैन पावर होना चाहिए, अगर आपको जो है कुछ काम मिला है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। तो मैन पावर आपको जो है सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट थिंग आपको जो है अब इसका ड्राइंग आपको अच्छे से स्टडी करना है, और जो आपका फिटर रहेगा आपको क्या करना है, जितना भी मटेरियल उसमें रिक्वायर्ड है, ओके, वो सारा आपको लिस्ट निकाल के आपको जो आपका फिटर रहता है, ठीक है, उनके हाथ में दे देना है, या आप ये काम खुद भी कर सकते हो। अगर आपके पास फिटर नहीं है तो आप भी इतना मैनेज कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है कहीं पे भी जाते हैं तो फिटर वगैरह नहीं रहता है, तो मैनेज करना पड़ता है खुद ही ये सब। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब जो है मैं पुराने लोगों को नहीं बता रहा हूँ, अगर आप पुराने हो इस फील्ड में तो आप ना देखें। नए लोग जो भी आते हैं तो उनको इस टाइप का जो है डर रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए एक कॉलम है, ठीक है, आपको फैब्रिकेशन करना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉलम के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मान लीजिए एक कॉलम है, तो आपको मटेरियल देख के और जितना भी इसमें मटेरियल है वो सारा आपको एक ही बार में कटिंग करवा लेना है। ओके, मतलब एक लगाया फिर एक कटिंग किया, एक लगाया एक कटिंग किया, वैसे करने से आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपको ये करना है कि जितना भी इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड है वो पहले आपको एक दिन दो दिन जितना भी टाइम लगे आपको पूरा का पूरा मटेरियल पूरा कटिंग करवा लेना है, ग्राइंडिंग करवा लेना है, और पूरा मटेरियल इसका रेडी कर लेना है। ओके, और रेडी करने के बाद तब जाके जो है आपको फिटिंग स्टार्ट करना है, तब आपका जो फिटिंग है वो जल्दी हो जाएगा और आपका काम जो है वो दिखेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि एक मटेरियल कटिंग किया फिर थोड़ा बनाने लग गए, फिर मटेरियल कटिंग किया फिर बनाने लगे, तो ऐसे में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और फिर कहीं पे भी जब आप नए जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपको काम वहाँ पे दिखाना पड़ता है, तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। उसके बाद पूरा मान लीजिए मटेरियल आपका कटिंग हो चुका है, ठीक है, तो अब आपको जो इसका फैब्रिकेशन करना है वो आपको जगह देखना है। मान लीजिए अगर एक कॉलम बनाना है तो उसके लिए तो आपको उतना प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग प्लेटफॉर्म की, आप सिंपली दो बीम रख के
और उस पर जो है आप कॉलम इसको फैब्रिकेशन कर सकते हो। ओके, उसके लिए आपको बड़ा प्लेटफॉर्म बेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई मान लीजिए चिमनी वगैरह का काम मिला है या कोई सेल्फ फैब्रिकेशन करना है, तो उसके लिए तो आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं आता है कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाना है, तो उसके ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। ओके, तो जब आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो लेवलिंग है वो आपको जो है वाटर लेवल के थ्रू पूरा अच्छे से होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, वरना फिर आपको बाद में जो है इसका प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जहाँ पर भी आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो वो आपको एरिया, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका जो एरिया है वो जो लोकेशन है वो आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म बनाने तो इसके चारों तरफ से जो आपका हाइड्रा से जो है आपका मटेरियल शिफ्टिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम ना हो, वो आपको ज़रूर इंश्योर कर लेना है, वो देख लेना है। ठीक है, नए लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है, इसलिए मैं ये सब पॉइंट जो है ऐड कर रहा हूँ। ओके, और उसके बाद काम जब आपका चलने लगे, और एक बात आपको जो है नोट करना है कि आज मान लीजिए जो भी काम हुआ, ठीक है, तो उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है, आपसे कुछ फॉल्ट हो रहा है, तो आप एक अपना जो है डायरी रखिए, ठीक है, और उस डायरी में आप नोट करते जाइए कि इस दिन हमसे ये मिस्टेक हुआ और दोबारा ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो ये तभी होगा जब आप जो है इस डायरी में जब आप नोट करके रखोगे और इसको कभी आप देखोगे तो इस टाइप से आपको मिस्टेक नहीं होगा। ओके, और एक बात है, जैसे मान लीजिए कल जो भी काम है उसका प्लानिंग आपको आज करना है। ओके, ऐसा नहीं कि कल काम है तो कल ही देखेंगे, नहीं, अगर आपको आगे जाना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, तो आपको जो मैंने कुछ स्टेप्स बताए वो आपको फॉलो करना है। कल मान लीजिए जो भी काम है, ओके, उसका प्लानिंग जो है आपको आज ही कर लेना होगा, ठीक है, कि कल आके हमको क्या क्या करना है, किधर किसको डालना है, कहाँ पे क्या करना है, पूरा प्लानिंग आपका आज ही हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई इंचार्ज है तो उससे आपको जो है सब चीज़ें डिस्कस कर लेना है। ओके, उसके बाद यही सब कुछ बातें थी जो मेरे को लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं अगर नए किसी जॉब पे जाते हैं, नए अपने डेस्टिनेशन चेंज करते हैं, तो उनको जो है सब प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी, क्योंकि जब हम काम में लग जाते हैं, काम का हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, तो हम सेफ्टी जो है वो थोड़ा नेगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं सेफ्टी के बारे में। लेकिन यही जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके टीम में जितने भी मेंबर हैं, फिटर, वेल्डर, कटर, वो सारे के सारे आपके अंदर में काम कर रहे हैं, तो जो सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका ही, मतलब आपका नहीं, सभी का बनता है, लेकिन आपको खास करके ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक, क्योंकि अगर उसमें से किसी एक को भी कहीं चोट वगैरह कुछ लग जाता है, तो उसका जो भी बात है वो आपके ऊपर आएगा कि आप कैसे काम करवाते हो, सेफ्टी से काम नहीं करवाते हो। तो इसलिए आपको जो है ध्यान में रखना है, हमेशा सेफ्टी में काम हो और काम अच्छे से हो। तो ये सब थी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एक नए फिटर या फैब्रिकेटर को हमेशा माइंड में रखना चाहिए। तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, आप अभी कहाँ पे जो है जॉब करते हो, या फिर आप अभी किस डेस्टिनेशन पे काम कर रहे हो, ये हो सके तो आप कमेंट में बताएं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तक हमने जो बहुत सारा वीडियो बना दिया है आपको, आप लोगों के लिए, ठीक है, तो जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, सिंपली आप यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, और वहाँ पे आप डायरेक्ट बोल के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मान लीजिए आपको कोई वीडियो देखना है, जैसे मान लीजिए कॉलम कैसे बनाते हैं, तो आप सिंपली सर्च कीजिए, बोल के भी आप सर्च कर सकते हैं कॉलम कैसे बनाएं, फिटर की पूरी जानकारी, तो वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा हमारा वीडियो। के या फिर आप मैन्युअली क्या कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, और वहाँ पे यूट्यूब पे जाने के बाद वहाँ पे सर्च कीजिए फिटर की पूरी जानकारी। ओके, उसके बाद वहाँ पे आपको जाना है वीडियो के बाजू में एक होगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, के उस पे जाना है, और जिस भी टॉपिक पे आप जो है वीडियो चाहते हो वो देख सकते हैं। जैसे अभी तक हमने पाइप फिटर के ऊपर पूरा जो है प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। उसके बाद इसी तरीके से स्ट्रक्चर फिटर के लिए भी हमने वीडियो बना के रखा हुआ है। उसके बाद इसी तरीके से ड्राइंग फिटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट्स है वो भी हमने सारा कुछ जो है बना के रखा हुआ। तो बहुत सारा वीडियो हमने जो अभी तक बना दिया है, तो आप लोग चाहे तो वीडियो को जाके देख सकते हैं करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।